हेलो गाइस, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी iOS की थीम जो कि बिल्कुल सिमिलर लगती है iOS की तरह, बिल्कुल ही सिमिलर। और ये थीम, सबसे बड़ी बात है कि ये थर्ड पार्टी थीम नहीं है और आपके थीम स्टोर पे अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। और इस थीम का एक सुपर पार्ट है वो आपको मैं बताने वाला हूँ जैसे हम इस थीम को इंस्टॉल करके देखते हैं। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं। ये रहा हमारा MI का थीम स्टोर और ये यहाँ पे सर्च करते हैं। आपको सर्च करना है iOS 11.4 TT, बस आपको सर्च करना है ये। इसके बाद आ जाएगा ये, देखिए ये बीच वाला, दिस वन, ये येलो वाला, इसको आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। क्योंकि मैं डाउनलोड कर लिया हूँ तो मुझे अप्लाई सिर्फ करना है, तो मैं अप्लाई करता हूँ। नॉट नाउ पे क्लिक करते हैं, ये अप्लाई हो रहा है और कुछ ही देर में हो जाएगा। देखते हैं, ये अप्लाई हो गया, लोड, थोड़ा लोडिंग देगा। तो ये देख सकते हैं आप, इसके आइकन्स देख सकते हैं कितना परफेक्ट और पूरा कूल लग रहे हैं, प्योर लग रहे हैं iOS की तरह। तो आप देख ही सकते हैं। तो चलिए वो आपके इसका थीम का ओवरव्यू धीरे धीरे समझा देता हूँ। जैसे कि आप सेटिंग में जाओगे तो आप देखोगे पूरा iOS वाला सेटिंग आपको मिल जाता है। और जैसे ही आप एग्ज़िट करोगे तो ये देखिए, जी हाँ, जैसे ही मैंने खोला, बंद किया, तो जैसे ही फोन सेटिंग में ये आइकन गोल गोल घूमता है। तो ये काफ़ी देखने में कूल लगता है। और तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट ओवरव्यू। तो जैसे आप प्ले स्टोर में जाओगे तो देखिए आप, इसका कलर पूरा चेंज हो चुका है, ये पूरा ग्रे हो चुका है, जो पहले जो कि रियल प्ले स्टोर में ग्रे बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी अच्छा ही दिख रहा है। और अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरह चलते हैं, वो है लॉक स्क्रीन। ये लॉक स्क्रीन आएगा तो जी हाँ, देख सकते हैं यहाँ राउंडेड कॉर्नर्स है और ये देख सकते हैं लॉक जैसा आईफोन में रहता है। और ये टाइमिंग देख सकते हैं, और टाइम बिल्कुल iOS की तरह है। ये देख सकते हो आप, स्वाइप टू अनलॉक, ये टॉर्च का आइकन, कैमरे का आइकन, जैसा ही स्वाइप करते हो तो ये आपको ओपन कर देता है। और ये सब देख सकते हो, लेफ़्ट साइड में क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाते हैं जो कि बहुत कूल हैं। उसके बाद चलिए इसको अनलॉक करते हैं और आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर जो कि है इस थीम का कूल फीचर जो आपको मैं बताने वाला था स्टार्टिंग में, बट आपको बोला था कि बीच में बताऊंगा। तो चलिए सुनते। तो ये कूल फीचर है इसके स्टेटस बार में। जैसे आपको इसको ओपन करते हो तो आप देखोगे कि इसका स्टेटस बार जो है वो काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट है। जैसे आप देख सकते हो कि ये ब्लरी बैकग्राउंड है, और मतलब पीछे का ऐप्स और आइकन्स दिख रहे हैं और बैकग्राउंड भी दिख रहा है। और जैसे कि आप लाइट डिम और डार्क कर सकते हो, और काफ़ी कूल लगता है जैसा ये सब आइकन्स, स्क्रीनशॉट, साइलेंट टॉर्च, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, हॉटस्पॉट, रेड मोड, काफ़ी अच्छे अच्छे आपको आइकन्स देखने को मिल जाते हैं। तो यही था थीम्स का ओवरव्यू गाइस, एंड आशा करता हूँ कि आपको ये थीम अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, और इसी बात पे एक लाइक कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत अच्छी लगी हो, तो जी हाँ, बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको फ्यूचर लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो चलिए।